अरे आशा, कहाँ मर गई थी? कब से तुमको खोज रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है तुहार। अब तुम भोरे तक सोवत रहोगी तो हमारी परेशानी नहीं है ना, उनका सिलाई का भी बहुत काम हो गया है। अच्छा, वो मनोहर चाचा का ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, वो तो कल ही करिए थे। अब हम तुम्हारी तरह कामचोर थोड़ी ना है। अरे अच्छा, सुनाए काहे रहे हो, ठीक है ना, दादा खिखी आओ नहीं। वैसे वो दुकान का बंदोबस्त हम कराए दिए हैं। हरियर चाचा के सामने थोड़ा हाथ पैर जोड़ना पड़ा, पर 15,000 में निपटाने को तैयार है। अरे कपड़े के साथ साथ मुंह भी सी के बैठी हो का? अरे काका को मना कर दो, हमको कोई दुकान वकान नहीं लेना। अरे सटिया गई हो का, बक्का रही हो? तुम्हारे लिए इतना हाथ पैर जोड़े हम और तुम हो की? अरे चाची रहने दो ना, इतने महीनों से बिजनेस बिजनेस का रट लगा रही थी, उसका क्या हुआ? ऐसे कैसे आशा, तुम्हारे सपनों का क्या? कहा बताए, इतने महीने से जो दुकान के कर के लिए पैसा इकट्ठा किए थे वो सारा राहुल की पढ़ाई लिखाई में चला जाएगा। देख आशा, भगवान ने हाथों में मजदूरी लिख के दी है, मजबूरी नहीं। देखा जाए तो अच्छा ही है ना, कम से कम बम्बई जाकर बड़ा आदमी तो बन जाएगा, हमारी तरह निर्भर तो नहीं रहेगा। अच्छा है, पहले अपने बेवड़े पति पर अपनी मेहनत की कमाई उड़ाई और अब ममता से भरे कलेजे पर ठंडक ना ही पड़ी तब उसकी औलाद पे अपने सपनों को भी उड़ा दो। एक अच्छी पत्नी की भूमिका तो निभा नहीं पाए, कम से कम एक माँ का कर्तव्य तो निभा सकती हूँ। और वैसे हमारे चिराग के सपने से बढ़कर कोई सपना थोड़ी ना हो सकता है। चिकने घड़े को काहे समझाए, जितनी जिद्दी माँ उतना ही जिद्दी बेटा। का भी? हमारा राहुल जिद्दी नहीं है। अरे रोज रोज दाल चावल क्यों बना देती हो यार? हेलो हेलो बेटा, ठीक से बम्बई पहुंच गए ना? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ माँ। अच्छा सुनो, ज्यादा ठंड लगेगा ना तो हमारा बुना हुआ स्वेटर पहन लेना, तुम्हारे लिए खास सी लेते हैं, ठीक है ना? हाँ रखते अब, चलो बाय। अरे हेलो हेलो, इका हो गया? अरे फोन कट गया होगा ना। राहुल राइट? हाँ, और असल में वो दरवाजा, हाँ अरे वो दरवाजा खुला रह गया था, कोई नहीं अंदर आ जा। और कैसा लगा? अच्छा है। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है हम लोग का एक टॉपिक रह गया था, आज उसे जल्दी से कवर कर लेते हैं, दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था Hello. वो हमारे गांधी जी ने। हेलो हेलो, यस हु इज दिस? यस हेलो मैम, हेलो मैम, राहुल हियर। राहुल? यस मैम। एम आई विजिबल? यस राहुल यू आर विजिबल। ओके, सो हम लोग का जो स्वदेशी मूवमेंट था गांधी जी को, हम लोगों ने जो ब्रिटिश के सारे प्रोडक्ट्स है उसे बॉयकॉट करना स्टार्ट किया और साथ ही साथ में इससे हमारे जो सारे इंडियन वीवर्स है, टेलर्स है, इन सबको बहुत ज्यादा हेल्प हुई और सपोर्ट मिला। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है इन सबको हमने जैसे ही सबको अपोज करा और ये सारी चीजें करी, देन हम लोग के इंडियन प्रोडक्ट्स को, पर ये चीज ज्यादा मैम मैं पता मैम आई डोंट नो व्हाई मैं आई एम गेटिंग डिसकनेक्टेड अगेन एंड अगेन। राहुल चुप बैठ,
राहुल कहाँ पे चला गया है? स्टूडेंट्स मैम वो डिस्कनेक्ट हो गया है, जाने दो मैम, प्लीज मैम आप. ओके सो देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं. देन उसके बाद हम लोग का सारा जितना ब्रो ये चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए राहुल को थोड़े ढंग के कपड़े दे दे. हेलो माँ, थोड़े पैसे चाहिए थे. तुमका अभी तो पैसे भेजाए थे बेटा. अरे माँ 3-4 हजार में ढंग की टी शर्ट भी नहीं मिलती है यहाँ पे. टी शर्ट? और अभी जो 6 जोड़ी कपड़े सिए थे उसका का? माँ ऐसे कपड़े यहाँ कोई नहीं पहनता यार, तुम्हें पता भी है फैशन क्या होता है. पर बेटा हमारे सिले हुए कपड़े तो सालों साल चलेंगे, और वैसे भी कपड़े तो तन ढकने के लिए होते है ना, तो इसमें मन का क्या जरूरत. यार माँ तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगी, पिताजी होते ना शायद समझ भी जाते. हेलो. हाँ बेटा राहुल तुम्हारे साथ रहा था ना, जरा फोन देना उसको. हेलो हाँ सुषमा आंटी. बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, उसका पाँव काम नहीं कर रहा है. क्या सुषमा क्या? हेलो अरे हरियर काका के पास जा रही थी तुम्हारे लिए पैसा उधार लेने, और आते भगत ये सब हुई गबत. हेलो राहुल बेटा, हेलो माँ, कैसी हो अब? ठीक ही हूँ बेटा, ज्यादा देर खड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन अपने पैरों पे खड़ी जरूर हो गई हूँ. माँ सुनो सुनो, वो कोरोना बीमारी पता है ना, जरा बच के रहना तुम. अरे उसे पता है हमका, तभी तो मास्क सी रहे हैं, और सुषमा भी बहुत मदद कर रही मास्क बेचने में. और तुमको पता है ऐसे ही चलता रहा ना तो का तो बोलते है पीपी किट. हाँ पीपी किट बेचेंगे, ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाएगा. हाँ क्या बात कर रही हो माँ. राहुल तेरा पार्सल आया है शायद. हमने इंतजाम करके थोड़े पैसे भिजवा रहे हैं, जरूरी सामान के साथ साथ एक अच्छा फोन भी लेना, ताकि क्या बोलते तुम्हारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ना वहाँ मिस ना हो. इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है.